आप देख रहे हैं श्रद्धालु कैसे गहरे जल में जा रहे हैं, क्योंकि जल है ही नहीं, क्योंकि बहुत कम गति है जल की आज पूरी तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जल की जगह, ये आप देख रहे हैं पूरी घाट हाउसफुल है। आप देख रहे हैं इधर कहीं भी जगह नहीं खड़े होने का। आप देख रहे हैं जल की गति काफी धीमी है, और अभी हरकी पैड़ी का दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी धीमी है तो हरकी पैड़ी में और भी धीमी होगी। वहाँ पे पूरी जनता तो भैया पूरे जल पे ही है। चलते हैं आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये है हरकी पैड़ी, पूरी तरह से हाउसफुल है। काफी तेज धूप जिसकी वजह से छाता पकड़े हुए हैं, और छाता जरूर लाएं। अगर बारिश हो जाती तो फिर बारिश से आपको राहत मिलेगा, और अगर तेज धूप है तो आपको तेज धूप से राहत मिलेगा। देख रहे हैं जल कम होती है, श्रद्धालुओं की संख्या जल पे उतर जाती है, और देख रहे हैं कितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे जल के बीचों बीच। यहाँ पे रेत है, जल पे नहीं रेत है, वहाँ पे आग जलाया जा रहा है, पूजा की विधि की जा रही है, लेकिन जल के अंदर नहीं करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप कमेंट करें सही है कि गलत है। और अभी घड़ी तो बंद है, घड़ी बंद है, अभी 9 बजे है सुबह के, और श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं इधर से भी आ रहे हैं। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, हजारों की संख्या में नहीं है। चारों ओर की घाट फुल है, चारों घाट फुल है, कहीं पे भी जगह नहीं दिख रही आपको। ये जो जल है जो आप देख रहे हैं ये हरकी पैड़ी से होके आ रही है, भागे सेतु पे हम खड़े हुए हैं, और जल की गति उतनी धीमी नहीं है। देख रहे हैं अच्छी खासी जल है, डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त है। जल में रेत मिट्टी की मात्रा काफी ज्यादा है। तो चलते हैं आपको पूरी जानकारी देते हैं हरिद्वार यात्रा जुड़ी, क्योंकि काफी सारे श्रद्धालु काफी सारे कमेंट था करके सारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी घाट सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रिज है ये अंग्रेजों के जमाने की है, काफी मजबूत है ब्रिज। जब भीड़ होता है तो इस ब्रिज को निकाला जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको कि गंगा जी पे जो अभी बाढ़ आया था वो कैसे कैसे यहाँ पे नुकसान लेके आया था साथ में, और साथ में यहाँ पे क्या क्या चीजें भी लेके आया था। इसमें से कुछ चीजें तो बह गए हैं जो कि मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जहां तक संभवता है कोशिश करूंगा जो हो सके मैं दिखाने का। कितनी मोटी रेत आ गई यहाँ पे। देख रहे हैं रेत की मोटाई, ये कुछ नहीं है, अभी तो आधा ही दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें, पूरी लकड़ी है ये तो पूरा देखें, ये जड़ से उखड़ के पेड़ आया है, और ये तो कुछ नहीं है। जब नीलधारा में जाएंगे आप तो काफी ज्यादा भयभीत करने वाला, वृक्षों को काफी नुकसान हुआ है ऐसा महसूस हो रहा था देख के। जब बाढ़ आई थी तो उसमें केवल बड़े बड़े गोले ऐसे ही वृक्ष पूरे के पूरे कटे हुए, इसमें से काट के लेके हैं कुछ, तो ये देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े पूरे के पूरे वृक्ष है जो कि गंगा जी में बह के आया गया, अभी बाढ़ आया था उसमें। ये जो है यहाँ पे कुछ दूर बाद जाएंगे तो हमें एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई देगा, जो कि अभी तो दबा हुआ रेत में, मोटी सी रेत है परत यहाँ पे है, और जो लकड़ी है ये तो इसमें से काट के ले गए हैं लोग, दिख रहा है वहाँ पे नीचे में गिरा हुआ है, कटने का निशान अभी भी है, और कुछ लोग यहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भयानक दृश्य था अभी जो बाढ़ आया था उसमें, काफ़ी ज़्यादा लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को हमेशा याद रहेगा जो गंगा किनारे बस रहे थे, उनके तो बसेरा ही चले गया गंगा जी में।
इतनी ज़्यादा भयानक दृश्य था। खैर अब तो नॉर्मल है, ये जल अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे कम हुआ है, देख रहे हैं अभी भी जल की मात्रा है, अभी भी इधर से जल आ रहा है। बाढ़ के जल में यहाँ पे आके रुका है ये वाली जो लकड़ी यहाँ पे आके, तो देख रहे हैं इसकी क्या हाल हो चुकी है, ये देख रहे हैं। और थोड़ा देर और रहता तो शायद ये उखड़ जाता, क्योंकि इसी पोल का नहीं, इस पोल का भी हालत खराब हो रखा है। छोटी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, काफी भयभीत करने वाला दृश्य था।